हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल पे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी द बायलेबिलिटी एंड बायकोलेंस, एंड हियर इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द इन विवो मेजरमेंट ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू स्टडी द बायलेबिलिटी एंड बायकोलेंस। ये बेसिकली बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करना, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया गया कि हाँ ठीक है, सी मैक्स, टी मैक्स और AUC, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं जिससे रेट और एक्सटेंट का पता चलता है कि किस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और फाइनली हम एक आइडिया लगाते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी, है ना। और बायोलिटी पे बेस्ड है अपना बायकोलेंस स्टडी। तो यहाँ पे इस लेक्चर में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन वीवो सिस्टम में हम कैसे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बायोलॉजिकल फ्लूइड में मेजर कर सकते हैं। सो आए देखते हैं। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना है, ठीक है। तो प्लाज्मा में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, ड्रग को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड कप होना चाहिए जिसके लिए हम HPLC यूज़ करते हैं, और HPLC में हम पहले मेथड डेवलप करते हैं, वैलिडेट करते हैं, एंड देन फाइनली वी प्रोसीड फॉर दिस टाइप ऑफ स्टडी। एंड इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव वे टू डिटरमाइन द सिस्टेमिक ड्रग अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, प्लाज्मा में और सीरम में, या तीन जगह पे आप देख सकते हैं आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और पर यूनिट टाइम, और ये तो देखते ही हैं, और साथ ही कितने हद तक, जैसे 2 दिन 4 दिन के बाद भी कितने ड्रग उसमें अवेलेबल हो पाई है मैक्सिमम एक्सटेंट, वो भी देखा जाता है ताकि अवेलेबिलिटी का आइडिया लगाया जा सके। स्लो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है या फिर फास्ट एब्जॉर्ब हो रही है, रेट का पता चलता है। तो बाय एप्रोप्रिएट ब्लड सैम्पलिंग वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम अवेलेबिलिटी पता कर सकते हैं। सो इट इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस, एंड दैट कैन बी ऑब्टेंड यूजिंग अ वैलिडेटेड ड्रग ऐसे। वैलिडेटेड ड्रग ऐसे अगर आपके पास नहीं है, नहीं हुआ किया आपने, तो आप भूल जाइए इस स्टडी को। ब्लड में ड्रग को डिटरमाइन करना कितनी कम क्वांटिटी में ड्रग अवेलेबल हो रही है ड्रग, तो उसके लिए जब तक आप मेथड डेवलप करके वैलिडेट नहीं कर लेते, यू कैन नॉट डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेथड HPLC में डेवलप करते हैं, ये सेपरेट क्लास में बताया बताया जा सकता है। सो आई विल ट्राई टू लेट यू नो कि कैसे मेथड डेवलप करते हैं और ऐसे मेथड्स क्या हैं, तब वैलिडेट कैसे करते हैं उसको HPLC यूज करके, तो मैं बताऊंगा कभी मौका मिला तो। इस वीडियो के स्कोप में नहीं, इस वजह से अभी मैं डिटेल में उसको नहीं बताने जा रहा। हाँ ये जरूर है कि जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, और आपको ये जरूर समझाऊंगा कि जब आप सैम्पलिंग कर लेते हैं ब्लड से, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर यूनिट टाइम, और कितने टाइम तक आपने सैम्पलिंग की है और मैक्सिमम टाइम क्या है जब आपने लास्ट सैंपल दिया है, उसके बाद इस तरीके का एक आपके पास कर्व आता है, इसको अब कॉम्प्रिहेंसिवली बोलते हैं प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। ये प्लाज्मा में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कैसे बढ़ रही है और घट रही है वो इस प्रोफाइल से पता चलता है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि ये टाइम एक्सिस है और ये प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है, और जैसे ही आप पर यूनिट टाइम प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि स्टीप एक इंक्रीज देखने को मिलता है यहाँ से ऊपर की तरफ, और फाइनली एक वैल्यू यहाँ पे मिलती है जो हाईएस्ट वैल्यू है, दैट इज सी मैक्स। और जिस टाइम पे ये वैल्यू मिलती है,
टाइम एक्सिस पे इस तरीके से प्लॉट कर दें, तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अचीव होता है दैट इज नोन एज टी मैक्स, दैट इज टी मैक्सिमा, द टाइम एट विच वी गेट द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन टू ब्लड। ओके, तो एम ई सी क्या है? मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने के लिए मिनिमम इतनी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में होना जरूरी है। ठीक है, तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स को बैलेंस रखते हुए ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है जो कि सेफ है, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। इसके ऊपर जाते हो तो फिर ड्रग टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिसिटी शो होने लगती है। दैट इज द मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन यू कैन अचीव इन टू ब्लड एंड इट विल नॉट शो एनी हार्मफुल इफेक्ट टू योर बॉडी। तो मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से नीचे, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर, इन दोनों के बीच में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को बना के रखना होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो एज टू इंश्योर द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट। ओके, तो यहाँ पे आप एक स्टीप इंक्रीज तो देख रहे थे, स्टीप डिक्रीज भी देखने को मिलता है, दैट इज द पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज, है ना। तो अगर कोई कर्व प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को अचीव ही नहीं कर पाता और फिर फाइनली यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो ये एक थेरेप्यूटिक फेलियर के कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज द फेलियर। ठीक है, फेलर तो हो गया, लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल रही थेरेपी और वो मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन को भी क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो वो टॉक्सिक हो सकती है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट दिस कॉन्सेंट्रेशन इज रीचिंग अप टू द मैक्सिमम लेवल बट इट इज नॉट गोइंग अबव द मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट विल लीड टू द सक्सेसफुल एंड सॉरी सक्सेसफुल थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ रैपिडली एंड कंप्लीटिंग एब्जॉर्ब ड्रग। ओके, सो इट इज थेरेप्यूटिक लेवल एंड इट इज सब थेरेप्यूटिक लेवल एंड इट इज टॉक्सिक लेवल। एक हो गया थेरेप्यूटिक, सब थेरेप्यूटिक और टॉक्सिक। तो आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आ गया हो। एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करना पहले, दैट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन। और एक यहाँ पे है ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन यहाँ तक रहा है, उसके बाद थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आपको जैसे जैसे नीचे आते हो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन तो अचीव ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को समझ लेना भी बहुत जरूरी है, ऑनसेट टाइम और ऑनसेट ऑफ एक्शन तो यहाँ पे देख गया, लेकिन वो टाइम जिस पे ये ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको देखने को मिला है, इसको अगर नीचे ड्रॉ करोगे तो उस टाइम को बोलते हैं ऑनसेट टाइम। तो मतलब उतने टाइम में ही वो अचीव कर लिया उसने थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। और अगर ये 15 मिनट का है तो 15 मिनट बाद आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाता है कि भाई सर दर्द हो रहा है, देखो 15 मिनट में एस्पिरिन की गोली ली और रिलैक्स हो गया, मतलब रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि ऑनसेट टाइम उसका स्टार्ट हो गया, एक्शन टाइम। नाउ टी मैक्स, सी मैक्स और ईयूसी मैं बता रहा था। तो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आपने देख लिया है, टी मैक्स क्या है? तो टी मैक्स इज टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो एट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो टाइम है वो टी मैक्स कहलाता है एंड पीक ड्रग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसी टाइम पर। ठीक है, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों इक्वल है। और पहले क्या था, जब वो इंक्रीज कर रहा था, सूट कर रहा था कम से ज्यादा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा था, रेट ऑफ एलिमिनेशन नहीं था, बहुत स्लो था।
एक टाइम पॉइंट जिस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल हो गए, दैट इज नोन एज सी मैक्स, और टाइम जिस टाइम पे वो अचीव हुआ है उसको टी मैक्स बोलेंगे। और जैसे जैसे आपका कर्व फिर नीचे डाउन होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वहां पे कम हो गया और रेट ऑफ एलिमिनेशन फास्ट हो गया। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है काफी। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूस आफ्टर टी मैक्स ऑल्सो बट स्लोअर रेट, वहां पे एलिमिनेशन फास्ट हो जाता है। टी मैक्स इज यूज एन एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट। टी मैक्स कितने एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट है या स्लो है, ये तो आप आइडिया लगा सकते हैं आराम से किसी भी ड्रग का। अगर टी मैक्स जल्दी अचीव हो रहा है और आपको एब्जॉर्प्शन रेट उसका फास्ट होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। द वैल्यू फॉर टी मैक्स इज स्मॉलर वेन, अगर टी मैक्स जल्दी अजीब हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट है, और एब्जॉर्प्शन फास्ट है तो ड्रग डिजॉल्व जल्दी हो रही है और वो एब्जॉर्ब जल्दी हो रही है, जो आपका सी मैक्स है वो जल्दी अचीव हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो यहाँ पे यूनिट टाइम, अगर टाइम की यूनिट जो टी मैक्स की है वही टाइम की यूनिट, जैसे आवर हो गया मिनट हो गया, इसमें प्रेजेंट करते हैं टी मैक्स को। एंड फॉर सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, डिफरेंसेस इन टी मैक्स मे हैव लिटिल क्लिनिकल इफेक्ट ऑन ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। कोई भी सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग है तो टी मैक्स में अगर लिटिल वेरिएशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल उसका रिलेवेंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली उस पे इफेक्ट पे उसके कोई असर नहीं पड़ेगा, लिटिल क्लिनिकल इफेक्ट। और डिलेड एक्शन ड्रग प्रोडक्ट है, कोई ऐसा ड्रग प्रोडक्ट है जो एक्शन काफ़ी डिले है, कोई 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो इफेक्ट शो करता है, उस केस में जो टी मैक्स की वैल्यू अगर बढ़ या ज़्यादा कम हो जाती है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका आ जाता है और इसको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सी मैक्स द पीक प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो अचीव हो सकता है, मैक्सिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन उसको सी मैक्स बोलेंगे। एंड रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन द फार्माकोडायनामिक ड्रग इफेक्ट एंड प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट मैक्सिमम आपको मिलेगा। एंड सी मैक्स इंडिकेट दैट द ड्रग इज सफिशेंटली सफिशेंटली सिस्टमिकली एब्जॉर्ब। सी मैक्स अचीव हो रहा है, इसका मतलब है कि सफिशियंट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ड्रग का हो रहा है, तभी सी मैक्स अचीव हो रहा है। सी मैक्स प्रोवाइड अ वार्निंग ऑफ पॉसिबल टॉक्सिक लेवल ऑफ द ड्रग, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये सी मैक्स थेरेपेटिक जो विंडो है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो सेफ्टी को ब्रीच करेगा और टॉक्सिक हो सकता है। तो सी मैक्स अंटिल यूनिट, सॉरी सी मैक्स यूनिट है मिलीग्राम पर एमएल या फिर नैनोग्राम है माइक्रोग्राम पर एमएल, इसमें आप डिनोट करते हैं तो माइक्रोग्राम पर एमएल भी इसकी यूनिट है। एंड सी मैक्स इज यूज इन बाइक्विलेंस स्टडीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ड्रग बायलेबिलिटी। बाइक्विलेंस स्टडी ही मेन पर्पज है बायलेबिलिटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, एज द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेस द पीक ऑफ द सी मैक्स विल ऑल्सो बी मोर प्रोमिनेंट। एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट होगा और जो स्टीप इंक्रीज देखने को मिलता है उसके बाद फिर डिक्रीज सी मैक्स के बाद। इफ द रेट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन गोज डाउन देन द पीक और सी मैक्स इज स्मॉलर। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जब ऑब्वियसली कम जब डिक्रीज होने लगता है तो फिर सी मैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। AUC क्या है? इट इज थर्ड पॉइंट इन दिस कैटेगरी। टी मैक्स देख लिया हमने, रेट को डिनोट करता है, सी मैक्स देख लिया वो रेट और एक्सटेंट को भी डिनोट करता है समवेयर। AUC दैट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको प्रोमिनेंटली डिनोट करता है और बायलेबिलिटी में इसका बड़ा रिलेवेंस है AUC का, अल्टीमेटली एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए। तो द एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, यहाँ पे जो मैंने कर्व बनाया था इस तरीके का, अब इसके बीच में जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट करते हैं, इसको ऐसे
ये एरिया आप कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज द AUC. ये कैलकुलेट इट शोज द एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. सो इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग बैलेबिलिटी एंड AUC रिफ्लेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्टिव ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. टोटल अमाउंट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग की पहुंच रही है वो ये बताता है अनचेंज्ड फॉर्म में. चेंज नहीं, मेटाबोलाइज्ड ड्रग को ये एस्टिमेट नहीं करता, केवल नॉन मेटाबोलाइज्ड या फिर अनचेंज्ड अनअल्टर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग वही एस्टिमेट करेगा. तो AUC इज द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम T0 टू T इंफिनिटी. यहाँ पे T0 था और ये T इंफिनिटी, ठीक है, तक ये ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को एस्टिमेट कर सकता है. एंड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग दैट इज रीचिंग इन जनरल सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस. सो AUC को आप इस डिनोट करते हैं FD0 अपॉन क्लियरेंस. तो क्लियरेंस आपको पता है मतलब बॉडी से बाहर निकलना, एंड F इज फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब, D0 इज द डोज ऑफ द ड्रग, और K क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, और D0 क्या है, D0 आपका डोज ऑफ द ड्रग, और VD है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं AUC कैलकुलेट करने के लिए. और एक मेथड होता है जिसे AUC कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रोपोजॉइडल मेथड. और ट्रोपोजॉइडल मेथड में होता क्या है, फिर से मैं बता दूं, इसमें छोटे छोटे ट्रोपोजॉइड्स बनाते हैं. ये एक ट्रोपोजॉइड हो गया, फिर ये दूसरा ट्रोपोजॉइड हो गया, फिर ये तीसरा ट्रोपोजॉइड हो गया, ये फिर फोर्थ हो गया. इसी तरीके से डिफरेंट ट्रोपोजॉइड्स बनाते हैं और सबको ऐड कर देते हैं. फाइनली यू विल गेट टू नो अबाउट द एरिया अंडर द कर्व अगर सबको जोड़ दिया जाए तो, ठीक है. इट इज एज सिंपल एज दैट. इंटीग्रेशन प्रोसेस से किया जाता है. And the AUC is independent of the route of administration and process of drug elimination. ये route of administration क्या है या process of drug elimination क्या है उससे independent है ये, वो ज़्यादा लेना देना नहीं है. ये blood में plasma में drug की concentration को बताता है कि कैसे किस हद तक drug available हुई है. A numerical integration procedure such as tropological route method can be used to determine the AUC. मैं बता चुका हूँ. And the unit of AUC is concentration into time. That is microgram hour upon ml. That is the unit. For many drug, the AUC is directly proportional to the dose. बहुत सारे drug के केस में AUC directly proportional होता है dose के. जैसे जैसे आप dose बढ़ाते जाते हैं AUC बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है. एक सिंगल डोज ऑफ द ड्रग इन सिंगल डोज ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 1000 mg. द AUC विल आल्सो शो अ फोर फोल्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, जब 250 mg डोज है तो एरिया अंडर द कर्व आप देख सकते हैं छोटा. जब ये 500 mg हुआ तो उसका डबल हो गया, और जब ये 1000 mg हो गया तो उसका चार टाइम फोर फोल्ड हो गया. इसका मतलब है कि जो रिलेशन देखने को मिल रहा है डोज डोज और एरिया अंडर द कर्व, वो एक लीनियर रिलेशनशिप, जैसे जैसे डोज बढ़ रहा है वैसे वैसे AUC बढ़ता जा रहा है, एक लीनियर रिलेशन. मैक्सिमम ड्रग के साथ में ऐसा देखने को मिलता है जो कि सिस्टमिकली बेटर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन, इतना परफेक्ट स्ट्रेट लाइन और लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिले. तो क्या होता क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं. इन सम केसेस AUC इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडमिनिस्टर्ड डोज. अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो होगा क्या, ये क्यों ऐसा होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और क्यों ऐसा होता है कि वो लीनियर था. तो दोनों में एक डिफरेंस है. With the increase in drug dose, one of the pathways of drug elimination may become saturated. ऐसा हो सकता है कि जो elimination process है वो saturate हो गया है. आप करोगे क्या? Eliminate तो drug हो नहीं रही है. Elimination process में दो चीजें involved है, excretion और metabolism. ठीक है, excretion मतलब body से बाहर निकलना urine के through,
या फिर जो आपका फीकल मैटर के थ्रू। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म भी अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है। तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है ड्रग, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सैचुरेट हो गया है, तो ड्रग ब्लड में एज सच पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जाएंगे वो केवल AUC ही बढ़ रहा है, तुरंत स्टीप एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा। ठीक है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा तो हमें इस तरीके का कर्व देखने को मिलेगा और फाइनली वो केवल और केवल AUC बढ़ता चला जाएगा इस तरीके। ठीक, तो ड्रग एलिमिनेशन इंक्लूड्स बोथ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इज एन एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस और एंजाइम कभी कभी सेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम सेचुरेट हो गए अगर एंजाइम सेचुरेट हो गए तो होगा क्या कि हमें जो हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और रुकने के साथ ही हमें जो AUC है वो केवल बढ़ रहा है, और फाइनली टाइम के साथ AUC बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एलिमिनेशन हो नहीं रहा, तो एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक सेलिसाइलेट है एंड फेनोटाइम, अ कॉन्टिन्यूड इंक्रीज ऑफ ड्रग डोज कॉज सैचुरेशन ऑफ वन ऑफ द एंजाइमेटिक पाथवेज फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंट प्रोलोंगेशन ऑफ द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा तो ब्लड में ही पड़ी हुई है, ड्रग तो हाफ लाइफ तो इंक्रीज हो ही जानी है। ठीक है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रग इज बीइंग एलिमिनेटेड एंड AUC थस इंक्रीजेस डिसप्रोपोर्शनली, बहुत तेजी से बढ़ता है। एंड द बायलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट बिकॉज द ड्रग काइनेटिक वेरीज विद डोज। डोज के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप में ड्रग काइनेटिक भी चेंज होता है जैसे AUC चेंज होता है। लेकिन अगर ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे डिसप्रोपोर्शनली वो बढ़ रहा है, उस केस में ड्रग की अवेलेबिलिटी को मेजर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सो एब्जॉर्प्शन में ऑल्सो बिकम सैचुरेटेड इन सच केसेस, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड में ही जब ड्रग प्रेजेंट है, निकल ही नहीं रही है, तो ब्लड ब्लड में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, फर्दर एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, सैचुरेट हो गया, रिजल्टिंग इन लोअर एक्सपेक्टेड AUC। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड फाइनली इट इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द इन व्यू मेजरमेंट ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। और यहाँ पे ब्लड नहीं होगा, यहाँ पे यूरिन होगा। ठीक है, दिस पार्ट 2। सो कम विद मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।